कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शो की शुरुआत यहां पर कॉटन की कीमतों में जारी तेजी के साथ करेंगे, जहां पर हमने 50,300 तक के ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो 11 साल के हाईज यहां पर फिर से मौजूद बनते हुए नजर आए हैं। आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने बैठक बुलाई है सभी कॉटन टेक्सटाइल यार्न स्टेक होल्डर्स के साथ, और जहां तक कॉटन एक्सपोर्टर्स और गारमेंट एक्सपोर्टर्स की बात है, उन्होंने ये मांग रखी है कि कॉटन एक्सपोर्ट्स को यहां पर खारिज किया जाए, बैन किया जाए। काफी मुश्किल हो सकता है ये, लेकिन सरकार को कॉटन के भाव भी यहां पर देखने होंगे, जहां पर करीब करीब 40% की तेजी हमने इस साल में आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो 58% की तेजी इस साल में वहां भी बनती हुई नजर आई है। तो क्लियरली आज का दिन इंपॉर्टेंट है कि कॉटन पर लेके यहां पर क्या कुछ आ सकता है। एक पैक जानने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महेश शारदा हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी नमस्कार। कॉटन की चिंता यहां पर काफी लंबी है, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी भी यहां पर घटाई, उसके बाद भी हमने कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर आते हुए नहीं देखा। जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, कंजम्पशन है और कॉटन के प्राइसेस हैं, सबसे पहले तो आप उसको कैसे समझते हैं और दूसरा आज की मीटिंग कितनी अहम हो सकती है? मैडम मनीषा जी थैंक यू। आज की मीटिंग तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट दी डिलेमा इज कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो चाहती है कि भाई ये फ्री ट्रेड रहना चाहिए। कोई भी अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा उससे कुछ ना कुछ टेम्प्ररी फायदा हो सकता है 15 दिन का, बट लंबे में फिर है ना उस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, वेयर एज प्राइसेज आर कंसर्न मैम, व्हेन अ कमोडिटी इज नॉट अवेलेबल, मतलब इट कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली। इट्स अ नेचुरल क्रॉप, इट हैज गॉट अ साइकिल टू ग्रो देन हार्वेस्ट। एंड जो हमारी जो फैक्चुअल बात है, वी हैव टू एक्नॉलेज कि इस साल हमारी क्रॉप और सालों से काफ़ी कम है, इसकी वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई है। बीच में इम्पोर्ट बंद हो गया था तो पीपल कुड नॉट प्लान प्रॉपरली, और जो भी इम्पोर्टेड कॉटन की कंजम्पशन है या प्लानिंग है, दैट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 5-6 महीने इन एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है उसकी सही तरीके से। तो और बाकी अभी जो सारी चीज़ पे और जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है यूएस क्रॉप का। यूएस में बारिश नहीं हो रही तो इट इज़ अगेन एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो नियर बाय कोई प्राइसेस में रिलीफ आ जाए वो नहीं होगा, बट डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, मतलब प्राइसेस इतने हाई हो जाएंगे और भी शायद 10-15% बढ़ जाए तो फिर लोग कॉटन खरीदना कम कर देंगे और उसी से ही सारा ये जो डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो सिंक्रोनाइज होगा या कुछ अदर फाइबर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके की स्थिति है। तो महेश जी, इस तरीके के ट्रेंड्स अब तक देखने को नहीं मिले हैं क्या? क्योंकि हमने पहले भी कॉटन पर बातचीत की है और तब यही व्यू हमें मिला कि प्राइसेस इतने हाई हैं कि यहाँ पर मिलर्स हो या फिर जो ओवरऑल डिमांड है वो कम हुई है क्योंकि इतने ऊंचे भाव पर को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो डिमांड तो शायद ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो चुकी है। क्या सिचुएशन फिलहाल इन लेवल्स पर डिमांड फ्रंट पर है? मैम अभी स्टिल पीपल आर ट्राइंग टू रन द मिल्स, देयर इज डिमांड डिस्ट्रक्शन, इट इज येट मोर टू हैपन। तो जैसे जैसे हमारी को लग रहा है ना भी क्रॉप तो हमारी कम ही है, जितनी कॉटन अवेलेबल है उससे ज्यादा तो हम स्पिन कैसे कर सकते हैं, तो वो जो कमी है वो बंद होने से ही मिले के बंद होने से ही पूरी होगी और कोई इसका रास्ता नहीं है। और कुछ मिले हमारे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी पॉलिएस्टर में शिफ्ट कर रही है तो उससे कूल डाउन होगा। और अभी हमारा मानसून येट अवेटेड है मैम, जब तक पूरा मानसून इंडिया में नहीं आ जाता हम अपनी खुद की क्रॉप की भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उधर से यूएस क्रॉप पे बहुत प्रेशर है। तो नियर बाय टर्म्स में देयर इज नथिंग कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होने से ये प्राइसेस कूल डाउन हो जाएंगे। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना एंड गवर्नमेंट इज वेरी वरिड बिकॉज पीपल गेट जॉबलेस। तो आपके माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर जो महीना डेढ़ महीना अगर ऐसी सिचुएशन आए कि बंद करना पड़े तो पीपल शुड पे दी वेजेस टू देयर वर्कर्स। दिस इज दी ओनली थिंग। और मैं जी ये तो खबरें आ भी रही हैं कि तमिलनाडु में हमने काफी छोटी जो मिल्स हैं यहाँ पर कॉटन की वो बंद होते हुए देखी भी हैं क्योंकि वायबल ही नहीं है कॉटन के इन प्राइसेस पे काम करना। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब नई बुआई की बात यहाँ पर की जा रही है, हीट वेव हो या पानी की स्केर्सिटी हो, इवन एज कॉटन के भाव ज्यादा है, माना यह जा रहा है कि कॉटन की बुआई शायद हम उस लिहाज से होता हुआ ना देखें। नहीं मैडम, बुआई तो नॉर्थ में अभी अच्छी हुई है बट हीट वेव से फिर वो उसका लॉस हो जाएगा।
मतलब वी हैव लैक ऑफ वाटर इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले बिजाई होती है, अभी सेंट्रल इंडिया में तो बारिश आने के बाद बिजाई होगी. तो नॉर्थ इंडिया में जो चैलेंज है वो यही है कि इंटेंस हीट वेव चल रहा है, जिससे पानी में, पानी के ऊपर प्रेशर है, नहरों के पानी में अवेलेबिलिटी कम है, और हीट वेव से पौधा जल भी रहा है. तो वी हैव टू नेक्स्ट 15 डेज फॉर न्यू क्रॉप सिनेरियो नीड्स टू बी वॉच्ड वेरी कीनली टिल वी हैव मॉनसून रेन्स. महेश जी, एक क्विक कॉमेंट. हालांकि आपने प्राइस पर कहा, लेकिन जो भी आपने ट्रिगर्स अभी बताया वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर चाहे वो अमेरिका में कम प्रोडक्शन हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रोडक्शन कम रहने की तो ऑलरेडी आशंका जताई जा रही है, और मॉनसून कैसा रहेगा वो थोड़ी सी और क्लियर पिक्चर देगा. लेकिन प्राइसेस को लेकर अगर गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स लेती है, थोड़ा हेल्प करेंगे प्राइसेस को कंट्रोल करने में, या फिर आपको लगता है कि ये तेजी रहेगी अभी भी? मैडम, आप ये समझिए कि एक्चुअल में कॉटन जो फ्लोटिंग स्टॉक है दैट इज वेरी स्मॉल. लेट्स से देयर आर अबाउट 10,000 जिनर्स, किसी के पास 200 गांठ है, किसी के पास 500 गांठ है, दे डोंट हैव सब्सटेंशियल कॉटन. नाउ उस प्राइसेस हैज टू गो अप फर्दर. When mills start to shut down, do not buy, तो prices का अभी कोई end नहीं आ गया है. I feel the prices will go further up from here. जी हाँ, चिंताएं तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, और अनलेस कोई सरकार यहाँ पर स्टेप लेती है तो भारतीय बाजारों में शायद हम भाव रुकता हुआ देखें, लेकिन इसका सीधा रिएक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में होगा, जहां पर हम भाव बढ़ता हुआ देखेंगे, जैसा काफी हद तक हमने गेहूं में भी होता हुआ देखा. महेश यादव जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. क्लियरली हम यहाँ पर कॉटन पर फिर से बात करेंगे, एक बार शाम की मीटिंग हो जाए, पता चले कि वहां से क्या कुछ निकल के आता है. लेकिन गेहूं में काफी हद तक यही हाल है. सरकार के स्टेप्स के बाद कुछ बहुत सपोर्ट अभी भी यहाँ पर भावों में है. मोहन सिंह रतनलाल के आनंद गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं. आनंद जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं बाजारों को? मैडम, अभी तो जरा अनसर्टेनिटी है, क्यों अनिश्चितता हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 13 तारीख को बैन कर दिया था, उसके उपलक्ष में आज 17 और 18 तारीख को पूरी एमपी की मंडियां बंद है. लोगों ने सौदे किए हुए थे एक्सपोर्टर्स को, वो एक्सपोर्टर्स अब माल नहीं ले रहा, इस वजह से अभी अनिश्चितता है. अभी देखो, अब देखना पड़ेगा कुछ दिन क्या होता है, कैसे होता है. जी आनंद जी, क्लियरली एक निजोक रिएक्शन हमने गेहूं के भावों में देखा था, 5-6% की गिरावट थी जब सरकार ने यहां पर एक्सपोर्ट बैन किया. लेकिन जैसे आपने कहा, उसके बाद कल तो बाजार बंद ही थे, बुद्ध पूर्णिमा थी, आज भी एमपी की काफी मंडियां यहां पर बंद हैं, तो कैसे प्राइसेस यहां पर निकाले जा रहे हैं? और दूसरा, जो जितना सारा गेहूं यहां पर पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, जैसे कि हम कल पिक्चर्स और फुटेजेस भी सीएनबीसी आवाज पे एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे कि 4,000 ट्रक शायद यहां पर पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, चाहे वो काकीनाडा है, कांडला है, ट्यूटीकोरन है, तो वहां पर क्या स्थिति है? मैडम, वही स्थिति है, अभी सब अनिश्चितता है, अभी कुछ नहीं पता लोगों को कि हमारा माल उतरेगा, क्या होगा इसका, कैसे होगा. एक्सपोर्ट तो बैन हो ही गया, तो एक्सपोर्टर्स भी अपनी जान बचाएंगे और देखेंगे कि कैसे क्या करना है, और कैसे कितनी की कितनों की एलसी खुली हुई है, कितनों की नहीं खुली हुई है, सब सब अभी अभी अनिश्चितता है. अभी कुछ नहीं बता सकते. इट विल टेक टाइम, जब तक मार्केट जरा थोड़ा टाइम लगेगा, कैसे माल कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, सब ये उसी वजह से हुआ है. एक तो इंडिया में प्रोडक्शन इस साल कम हुआ है, और क्वालिटी भी हल्की आई है, क्वालिटी भी चपटे दाने की है, तो सब उसी वजह से दिक्कत आ रही है. देखो क्या होता है, अभी कुछ नहीं कह सकते गेहूं के बारे में. हाँ, तो अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्लैरिटी अभी नहीं है. अभी जो ट्रक हैं वो अटके हुए हैं पोर्ट्स पर, और सप्लाई के तो कंसर्न्स हैं ही. हमारे साथ अनुज गुप्ता भी मौजूद हैं, एफएल सिक्योरिटीज, और साथ साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक भी हैं. प्रीतम जी, पहले तो आप बताइए, गेहूं की चर्चा हो रही तो पहले उसी पर कॉमेंट्स ले लेते हैं. सरकार ने जो स्टेप लिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, यहाँ पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला, उसके बाद हमने प्राइसेस थोड़े से डोमेस्टिक मार्केट में हल्के होते हुए देखे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी जो भाव है गेहूं का वो तेज बना हुआ है. क्या कैसा ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मौजूदा सिनेरियो में, प्राइसेस किस ओर देख रहे हैं? देखिए, गेहूं के प्राइसेस जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, ऑब्वियसली इट्स अ डेस्परेट मेजर, करेक्ट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर ग्लोबली उनके ऊपर भी आ ही रहा है, जहां पे G7 नेशंस भी उनके पीछे बोल रहे हैं कि ये एक्ट थोड़ा सा मोर प्रोटेक्टिव नेचर है एंड फ्री ट्रेड के हिसाब से नहीं है. देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर तो बना रहेगा जब तक ये रशिया एंड यूक्रेन वाला इशू रहेगा, विच इज कंसिडर्ड एज द ब्रेड बोल ऑफ द वर्ल्ड, एंड उसके कारण शॉर्टेज तो बना रहेगा. आई थिंक थोड़ा डाइवर्जेंट ट्रेंड चल सकता है इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट में,
डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर प्रेशर तो नहीं बोल सकता बट थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टिव प्राइस राइज रहेगा और या कंट्रोल्ड रहेगा, जबकि इंटरनेशनली जैसे हम लोगों ने बोला जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होता तब तक थोड़ा प्राइस में तेजी बनी रहेगी। सेकेंड थिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि चाइनीज मार्केट जो अभी तक बंद पड़ा था कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे अनवाइंड होने खुलने वाला है एंड उसके बाद कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी डिमांड का प्रेशर आ सकता है। सो ग्लोबली तो प्राइसेस मेरे हिसाब से हाई रहेंगे, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी मेंटेन्ड है, जबकि डोमेस्टिक में बिकॉज ऑफ आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंट्रोल गवर्नमेंट ने जो किया है उसके हिसाब से आई थिंक प्राइसेस स्टेबलाइज रहेंगे मेरे हिसाब से। अनुज आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चाहे वो गेहूं हो, आज ऑफकोर्स कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट दिन है, खाने के तेलों में भी यहां पर इजाफा जारी है, क्लियरली हेडलाइंस में वो नहीं है लेकिन प्राइस के हिसाब से कोई कमी वहां पर भी नहीं है, कैसे देखते हैं आप फूड एज अ कंसर्न को अभी भी, और कहां पर आपको लगता है कि एक बड़ी दिक्कत आगे आ सकती है? महेश जी गुड मॉर्निंग। देखिए डेफिनेटली क्राइसिस जो है वो सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वीट का एक्सपोर्ट इंडिया ने बैन किया है, साथ में जो कॉटन के प्राइसेस है वो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और एडिबल ऑयल्स में भी एक इजाफा देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एक फूड क्राइसिस वाली सिचुएशन जो है वो सामने दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सभी कमोडिटी के प्राइसेस में, एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस में भाव में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि उसका असर रहेगा और आने वाले दिनों में भाव जो है वो बढ़ते हुए भी रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का इशू हुआ है और जिस तरीके से हमने जो मौसम में बदलाव देखा है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो, यहाँ पर हीट की वजह से इंडिया के अंदर देखें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर पानी की कमी देखने को मिली है, साथ में यूएस के अंदर बारिश ना होने की वजह से भी वहां पर ड्रॉ सिचुएशन दिखाई दी है, जो कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं एडिबल ऑयल्स में, कॉटन में। हमें लगता है कि अभी उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहेगा और जो प्राइसेस हैं वो यहां पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर हम वीट की बात करें तो जो सरकार जनरली प्रोक्योर करती है मंडियों से वो भी टारगेट अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सरकार ने जो टाइमलाइन है वो भी बढ़ाई है यहाँ पर, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। और एक चीज और है कि वीट के भाव जो है वो एमएसपी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो मंडियों के अंदर जो आवक है वो उतनी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जो किसान है वो बाहर माल ले जाके बेच रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा दाम बाहर मिल रहा है, तो सरकार भी अपना जो टारगेट है प्रोक्योरमेंट का वो भी पूरा नहीं कर पाई है, तो आगे सिचुएशन थोड़ी सी लिटिल बिट एक रिस्की हो सकती है। फूड की तरफ अगर देखें तो जो अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो आगे भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सर आपने यहाँ पर मौसम का जिक्र किया जो कि यूएस में तो एक कंसर्न है ही, लेकिन भारतीय बाजारों में हीट वेव की चिंता अब भी जारी है और इवन एज हम यहाँ पर नॉर्मल मॉनसून की बात कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 50-60% ही जताई जा रही है, जो कि बहुत रिएश्योरिंग नहीं है, तो किस तरह से ऑन ग्राउंड अब रिएक्शन फूड पर बन सकता है? देखिए फूड पर जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हालांकि कल जो है मॉनसून हिट होता हुआ दिखाई दिया अंडमान में और 27 मई को आपको केरल में एक्सपेक्टेशन है कि वहां पर आ सकता है, और अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पर भी हम देखेंगे कि जून के पहले वीक में मॉनसून हिट होता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है वो थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हम देखें तो मॉनसून बिल्कुल टाइम पर अंडमान में हिट हुआ है और अगर ऐसे ही गति रही तो आने वाले 15 दिनों में हम अच्छे मॉनसून की एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं। मगर दूसरी तरफ जो 15 दिन है काफी क्रूशल रहेंगे, इस बीच हमने देखा है कि सभी फूड ग्रेन्स में प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो आगे की जो स्थिति है वो मॉनसून पर ही डिपेंड करेगी, किस तरह मॉनसून होता है, शॉर्टफॉल तो नहीं होती रेनफॉल में, नॉर्मल अगर मॉनसून रहता है तो हम अगेन प्राइसेस में एक अच्छा खासा गिरावट आते हुए देखेंगे। डिपेंड अब जो आगे की मार्केट है वो पूरे मॉनसून पे करेगी और रेनफॉल की क्वांटिटी पे करेगी, कैसी की रेनफॉल होती है। जी चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं एग्री कमोडिटीज पर और प्राइसेस पर भी अनुज ने यहाँ पर व्यू दिया। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और जब वापस लौटेंगे तो नॉन एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, गोल्ड सिल्वर क्रूड या बेस मेटल्स में क्या होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद। समरी राउंडअप में आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस की करेंगे और चीन के बाजार 1 जून से यहाँ पर खुल सकते हैं। आपको याद दिला दें कि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत यहाँ पर बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शंस हमने कई चाइनीज सिटीज में और कंट्रीज में आते हुए देखे थे, अब वो यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आएंगे। प्रीतम कैसे देखते हैं आप चीन के इस स्टेप को? चीन का डेटा तो अच्छा नहीं आया लेकिन चीन के बाजार खुलने वाले हैं, इस चीज का एक सपोर्ट हमने बाजारों में जरूर आते हुए देखा है। मेटल प्राइसेस में एक हल्का सा रिबाउंड आज यहाँ पर है, क्या यहाँ पर बाइंग स्ट्रेटजीज इंडिकेट करेंगे? देखिए मनीषा, हर एक इंसान ऑप्टिमिस्टिक न्यूज को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करता है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट में काफी ऑप्टिमिज्म आ गया है कि एटलीस्ट चलो कहीं ना कहीं चीन अपना मार्केट
खुलेगा। इम्पैक्ट ऑफ चीन का डिमांड का इतना सिग्निफिकेंट होता है कि ये न्यूज बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकता है ऑन मेटल प्राइसेस, एंड इसीलिए हम लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड सारे मेटल्स में थोड़ा बहुत एक्टिविटी देखा पॉजिटिव साइड पे, बट थोड़ा कॉशियस होकर चल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेटिव ही यू नो कॉल था, कहीं ना कहीं पीपल आर एक्सपेक्टिंग, बट टू मच रैली एक साथ होते हुए मेरे को दिखता नहीं है क्योंकि बीच में जो भी डेटा पॉइंट्स आएंगे फ्रॉम यूएस वो भी डिसाइड करेंगे कि ग्लोबली मार्केट किधर मूव कर रहा है, क्योंकि वाइल चीन का डिमांड रिवाइव होगा ये मान के चलिए कि यूरोप का डिमांड कहीं ना कहीं थमता हुआ दिख रहा है क्योंकि करंट इन्फ्लेशन प्रेशर में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हिट कर ही रहा है। ठीक है, तो सो ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस पॉजिटिव है मेटल्स के लिए, बट प्योरली ऑन इंट्राडे बेसिस मेरे को लगता है कि कॉपर यदि 765 के लेवल पे आता है तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं, एक स्टॉप लॉस 769 पे लगा के टारगेट प्राइस ऑफ 760, तो ये हमारा एक छोटा इंट्राडे का ट्रेड है, बट लाइक आई सेड इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेरे को लगता है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये मेटल्स पर व्यू है, कॉपर में उछाल पर बेचने की सलाह है, लेकिन अगर एनर्जी पैक को देखें अनुज, तो कच्चे तेल में सुस्ती देखने को मिल रही है लेकिन तेजी लगातार बनी हुई है नेचुरल गैस में, 626 पर आकर अब कर रहा है ट्रेड, क्या व्यू है इन लेवल से, कोई ट्रेड ले या छोड़ दे? देखिए ट्रेंड क्रूड का पॉजिटिव है, अगर आप एमसीएस में देखेंगे तो 10 हफ्ते की हाई पर ट्रेड कर रहा है और अगर हम ब्रेंट को देखें तो 4 हफ्ते की हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो जो सेंटिमेंटल है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है और अगर आप देखें तो 114 के लेवल पर ब्रेंट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव ही है, यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, एमसीएक्स में करीबन 8 या 750 के आसपास खरीदारी करें, हमें लगता है कि ऊपर में 8 या 900 से लेकर 9000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ब्रेंट में 116-117 डॉलर तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो आगे जैसे चाइना ओपन होने वाला है तो डिमांड कंसर्न यहाँ पे रहेगा, डिमांड एक्सपेक्टेशन है धीरे धीरे बढ़ सकती है, तो हमें लगता है कि क्रूड में अगेन हम एक अगेन ऊपर में भाव आते हुए देखेंगे और जिस तरीके से सप्लाई अभी भी शॉर्टेज में चल रही है तो अच्छा खासा भाव ऊपर की तरफ आ सकता है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में ली जा सकती है। ऑलराइट, खरीदारी यहां पर कच्चे तेल में करने की राय है और एक नजर यहां पर सोने चांदी पर भी डाल लेते हैं, जहां पर डॉलर में हल्की सी हमने गिरावट आते हुए देखी है जिसका शायद फायदा यहां पर खरीदारों ने उठाया है। प्रीतम, यहां पर क्या राय है? नहीं, मेरे को लगता है कि गोल्ड का एक साइकोलॉजिकल लेवल था एट अबाउट 1780 डॉलर्स के आसपास जो एक ब्रीफली टच करके रिबाउंड कर गया मार्केट, वहां पे कहीं ना कहीं पीपल हैव बीन मतलब वो वेट कर रहे हैं कि कहां उनको एक डिस्काउंटेड बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो कहीं ना कहीं वहां पे बाइंग आना देख लिया हम लोगों ने। और आपने बिल्कुल सही बोला था मनीषा, एक्चुअली जो भी आप इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए या जियोपॉलिटिकल कंडीशन देख लीजिए वो गोल्ड के लिए बहुत ही फर्टाइल था, बट कहीं ना कहीं वो पूरा पैसा फ्लो हो गया था डॉलर इंडेक्स की तरफ, एंड थोड़ा बहुत करेक्शन जब हम लोग देख ही रहे हैं डॉलर इंडेक्स में उसका बेनिफिट गोल्ड को तो आना ही है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि ये रैली कहीं ना यूनिलैटरली 105 लेवल तक पहुंच के कहीं ना कहीं एक स्टॉप आके कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगा और सिग्निफिकेंटली डोमेस्टिकली भी मे बी सेंट्रल बैंक्स कहीं ना कहीं एक्टिविटी करके इसको थोड़ा कंट्रोल पे लेकर आएंगे। दूसरा मेजर पॉइंट है मनीषा कि सेंट्रल बैंक ने क्लियरली हाईलाइट कर दिया है, दे हैव ओपन द कार्ड्स, दे हैव सेड कि 250 बेसिस पॉइंट की इंक्रीजेस हैं, तो मार्केट इसको फैक्टर भी कर चुका है और इसीलिए थोड़ी बहुत तेजी इसमें गोल्ड में हम लोग को देखने को मिल रही है। हमारा रिकमेंडेशन है कि एक बार गोल्ड 50,200 के लेवल पे आता है तो उधर बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 50,000 पे लगा लीजिए, टारगेट प्राइस 50,450 एंड देन 600, तो बाय ऑन डिप्स। ऑलराइट, खरीदारी करने की राय यहां पर एनर्जी में भी है, प्रेशियस मेटल्स में भी है, बेस मेटल्स हल्के से यहां पर चौपी रह सकते हैं, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि आज का दिन इंपॉर्टेंट है, कॉटन पर बाजार की यहां पर नजर रहेगी आज की शाम की मीटिंग के लिहाज से। बहुत शुक्रिया इसी के साथ अनुज, प्रीतम हमारे लिए समय निकालने के लिए, मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर।